मैडम लीजिए पानी पी लीजिए। रख दो। और सुनो ये फाइल मिस्टर वर्मा को दे देना। ठीक है। और उनसे कहना कि वो मुझसे शाम को आकर मिले। ठीक है। ये बच्ची यहाँ कितनी मासूम है, इसे तो स्कूल में होना चाहिए था। क्या आज 20 साल बाद भी वही बचपन दोहराया जाएगा? क्या ये नन्ही उन नन्ही नन्ही खुशियों से दूर रह जाएगी जो हर बच्चे का अधिकार है? साथ साथ पढ़ना, साथ साथ खेलना, क्या ये कभी ना जान पाएगी? सभी के जीवन में पूनम मैडम जैसा कोई आए बहुत मुश्किल है। रजनी, रजनी, रजनी का घर यही है क्या? जी पूनम मैडम। जी हाँ। नमस्ते। नमस्कार। बैठिए। रजनी पानी लेके आ। और मैडम जी कैसे आना हुआ? रजनी कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही, बहुत चिंता हो रही थी। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत वबीयत तो सब ठीक है जी, बस यूं समझ लो कि हम ही ने उसका स्कूल जाना बंद करा दिया है। अब ना जाएगी रजनी स्कूल, अब ना पढ़ेगी वो। क्यों, आपने उसका स्कूल जाना बंद क्यों कराया? कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो बहुत ज्यादा है जी, आधा दिन तो इसका स्कूल में ही बर्बाद हो जावे था। बर्बाद? हाँ मैडम जी हाँ, बर्बाद। ना भाई को देखने का समय होता था इसके पास, ना पानी भरने का, ना घर का कोई और काम करने का। और फिर बस सारा दिन मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, दीवारें सलेट सब सारा दिन काला करती रहती थी। और कागज तो इसे जितने मर्जी चाहे काले करा लो। अब लड़की जात को हम यूं बिगाड़ तो नहीं सकते हैं ना, घर के तो किसी काम में इसका जीना लगे था। क्या करेगी पढ़ लिख कर, कलेक्टर ना बनाना हमें इसे, हम गरीब लोग हैं। घर संभालेगी, जो काम इसे आगे करना है वही अब से करेगी, ना जाएगी स्कूल ना पढ़ेगी। उस समय कोई ना था जो रजनी के मन की बात, उसका दर्द समझ पाता। अब मैडम जी हम आपकी तरह स्कूल तो कभी गए ना है, बस अपने घर में ही काम धाम सीखा और करते हैं हैं। अब स्कूल जाकर ये घर का काम तो ना सीखेगी ना, तो फिर क्या करेगी ये स्कूल जाके? मुझे तो ताज्जुब है, आप उसकी माँ होकर भी अपनी बेटी के लिए अपने से बेहतर जिंदगी के बारे में नहीं सोच रही हैं। मतलब? मतलब ये कि अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये जरूरी तो नहीं कि तुम्हारी बेटी भी अनपढ़ ही रहे, बल्कि पढ़ लिख कर वो कहीं ज्यादा समझदार बन जाएगी, इस दुनिया को अच्छी तरह से समझ पाएगी। और आजकल तो लड़कियां खूब पढ़ लिख रही हैं, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। ना बाबा ना, हम तो एक दो साल का इंतजार कर रहे हैं, कर देंगे इसका ब्याह, हमें ना पढ़ाना अपनी लड़की को। लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, अरे जब से ये हुआ है ना दुनिया बिगड़ने लगी है। लड़कियों का काम है घर संभालना, ना कि पढ़ना लिखना। हाँ हमारा मुन्ना है,
हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। कमाल है, आप माँ होकर बेटे बेटी में फर्क कर रही हैं? ये दोनों आपके लिए एक समान ही तो हैं। अब तो सरकार भी लड़का लड़की को एक समान मानने पर जोर दे रही है। अरे सरकार की सरकार जाने, हम तो इतना जाने हैं कि लड़के को बड़े होके घर चलाना है, इसलिए उसका पढ़ना जरूरी है, पैसा कमाना होवे है, उसी को हम पढ़ाएंगे। और वैसे भी हम ठहरे गरीब आदमी, हम कहाँ से लड़के को भी पढ़ाएं लड़की को भी पढ़ाएं, खर्चा भी करो और लड़की को बेढंगा भी बनाओ। पैसा? अरे पढ़ने में पैसा कहाँ लगता है, अब तो सरकार ने लड़कियों के लिए 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी है। अब तो रजनी के कपड़े, किताबें और दोपहर का खाना भी इस स्कूल से मिलता है, मिल जाता है ना? हाँ वो तो है। और फीस? फीस माफ है ना? फीस भी ना देनी पड़ती। रजनी जरा इधर तो आना बेटे, देखो कितनी होशियार है तुम्हारी बच्ची, हो सकता है बड़े होकर बड़ी अफसर भी बन सकती है, इसे स्कूल भेजा करो, तुम्हारे लिए अपने छोटे भाई के लिए एक मिसाल बन सकती है। रजनी का मतलब होता है रात, लेकिन मैं इसे रात नहीं बनने दूंगी, बल्कि रात में दूसरों को राह दिखाने वाली रोशनी बनाऊंगी। अब से ये रजनी नहीं रोशनी होगी। आप कल से स्कूल जाना शुरू करोगे ना? हाँ। अपने माँ बाप का नाम तो रोशन करोगे ना? हाँ। बड़े होके अच्छे से अफसर बनोगे, है ना? हाँ। बनोगी ना रोशनी? हाँ। अब ये रजनी से रोशनी होगी। बहन जी आप भेजेंगी ना इसे स्कूल? जी जी मैडम जी, जरूर भेजूंगी। मैं समझ गई, लड़कियों का पढ़ना भी बहुत जरूरी है, भेजूंगी। रोशनी मैडम, पानी तो पी लीजिए। अरे हाँ, ये बच्ची तुम्हारी है? हाँ ये मेरी ही बेटी है। स्कूल जाती है? जी मैडम ये स्कूल जाती है, कक्षा में अव्वल आती है। आज इसकी छुट्टी थी तो मैंने सोचा मैं इसे यहाँ ले आऊँ, बहुत होशियार है। अरे वाह, स्कूल जाया करो बेटा, फिर तुम भी बड़ी होकर अफसर बिटिया बनोगी। समय सचमुच बदल रहा है, मैं ही कहीं रुक गई थी अतीत में, रोशनियां कई हैं हमारे आसपास, बस आवश्यकता है उनको पहचानने की, उनको ढूंढ कर निकालने की।